विदिशा जिले के कुरवाई में बाल संरक्षण आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो गुरुवार को नगर में स्थित सीएम राइज स्कूल पहुंचे, जहां इसमें पूर्व प्राचार्य रही शाहिना फिरदौस के द्वारा स्कूल में बनाई गई मजार और राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत नहीं कराए जाने की जानकारी प्राप्त होने पर स्थानीय प्रशासन के साथ निरीक्षण करने पहुंचे। संबंधित स्कूल पूर्व में उत्कृष्ट हायर सेकेंडरी स्कूल की प्राचार्य शाहिना फिरदौस के कार्यकाल के दौरान संस्था में राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय गीत नहीं गाया जाता था, उसके बदले ए मालिक तेरे बंदे हम की प्रार्थना की जाती थी। उसके अतिरिक्त स्कूल प्रांगण में मजार चबूतरा का नवीन निर्माण किया गया था, जिसकी जांच शिक्षा विभाग द्वारा 15 अगस्त को पूर्ण की जाकर जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपी जा चुकी है। उसके उपरांत जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जिला प्रशासन से कार्यवाही करने हेतु कोई प्रतिवेदन नहीं सौंपा गया। जिला शिक्षा अधिकारी ने उक्त मामले को दबाने का प्रयास कर दोषी प्राचार्य बचाने का प्रयास किया गया है। कानूनगो ने इस दौरान बस स्टैंड स्थित पठार शाला स्कूल परिसर का भी निरीक्षण किया और बाजार में स्थित कन्या प्राथमिक शाला स्कूल भी पहुंचे, जहां अनेकों अनियमितताएं सामने आने पर जिनकी सुधार हेतु संबंधित विभाग को 15 दिवस में निराकरण करने का समय दिया है। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। ये खतरनाक बात है, इस तरीके की रिलीजियस प्रैक्टिसेस विद्यालयों में होना और उसकी तरफ बच्चों को मोटिवेट किया जाना, दोनों ही गलत। अभी कितने बच्चों से आपने पूछा ये कि मजार के बारे में और राष्ट्रीय गान के बारे में? यहाँ हमारी 4-5 बच्चों से अभी बात। आपने उनकी आईडी चेक की कि वो कुरबाई ये सीएम राज के बच्चे थे? देखिए, यहाँ मेरे को जिन बच्चों से मिलवाया गया जी, जी। क्या नाम है आपका? राधिका। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? सीएम राज। पहले कौन से पढ़ते थे? फ्यूचर प्लस। अभी आप यहाँ स्कूल में कौन कौन सी प्रार्थना होती है? यहाँ पर काफ़ी तरह की प्रार्थना होती है, मन की शक्ति प्रेरणा गीत वगैरह भी होता है। जनगण गण गान होता है? जी होता है। वंदे मातरम? जी। इससे पहले यहाँ प्राचार्य कौन थे? हम इसी साल हमने अच्छा आपने आइडिया नहीं। क्या नाम तुम्हारा? विकास केवल। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? सीएम राइज स्कूल करवाई। तुम्हारे यहाँ स्कूल में प्रेयर कौन कौन सी होती है? प्रार्थना वंदे मातरम होता तो प्रार्थना होती थी, वंदे मातरम मध्य प्रेस गान होता था और प्रार्थना होती थी। प्रार्थना कौन सी होती थी? वो सरस्वती वंदना। सरस्वती वंदना। और ये गान होता था मालिक तेरे बंदे हम? यहाँ होता था कभी कभी। कभी कभी। क्या नाम तुम्हारा? सुनील अहरवाल। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? सीएम राइज स्कूल कुरवाई। कहाँ के रहने वाले? कुरवाई। कौन से स्कूल तुम्हारे स्कूल में प्रार्थना कौन कौन सी होती है? प्रार्थना मध्य प्रदेश गान और ए मालिक तेरे बंदे हम। और राष्ट्रगान? राष्ट्रगान कभी कभी कुछ मौक़ों पर होता था, 15 अगस्त 26 जनवरी उन मौक़ों पर होता। और राष्ट्रगीत? राष्ट्रगीत भी नहीं हुआ। ऐसी कोई जानकारी मिलती है कि वो बच्चे इस विद्यालय के नहीं तो बच्चे बताइए। नहीं, वही मैं पूछ रहा हूँ। कुल तीन बच्चे थे उसमें, वो तीन बच्चे प्री प्लान से पहले से बैठे हुए थे। देखिए, मैं आपके एक घंटे से पहले बैठे हुए। मैं आपके सवाल का उत्तर दे रहा हूँ। मुझे शिक्षकों ने जिन बच्चों से मिलवाया मैं उनसे मिला। क्या किसी मुस्लिम बच्चे से इस बारे में जानकारी ली गई? नहीं, मुस्लिम बच्चे यहाँ पे मुझे नहीं मिलवाए गए। जब जिला शिक्षा अधिकारी का आया मैं तो बच्चे कहाँ से लाएगा? तो जिला शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी थी कि वो यहाँ रहता और बच्चों से मिलवाता, वो गायब हो गया। जांच में ऐसा योग कर रहा है। निरीक्षण में कई अनियमितताएं पाई गई यहाँ पर। हाँ, पाई गई। तो आपने किसी वरिष्ठ अधिकारी को या किसी को निर्देश दिए? वर्तमान स्थानीय एसडीएम तहसीलदार जानकारियां इकट्ठी की हैं। हमको ये पता चला है कि यहाँ हेडक्वार्टर पे शिक्षक नहीं रहते हैं। हमने एसडीएम को बोला है ऐसे सभी शिक्षकों को शोकॉज नोटिस जारी करने के लिए और कार्रवाई। इस स्कूल के आसपास की खाली जमीन पर भी पूरा अतिक्रमण हो गया। हमने यहाँ पे नगर पालिका सीएमओ को निर्देश दिए हैं। चूंकि ये विद्यालय नगरीय क्षेत्र में आता है, इसलिए स्थानीय प्रशासन की शिक्षा का अधिकार कानून की धारा 6 और 9 के तहत ये जिम्मेदारी बनती है कि वो बाउंड्री वॉल की समुचित इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था की है। हमने निर्देश दिए हैं और अपनी रिपोर्ट में हम इसका उल्लेख करेंगे। कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर जमीनें अपने नाम करा ली, जो कि जब हम पढ़ते थे तब से ये मैदान थे खेलने के लिए। हमने यहाँ स्कूल के प्राचार्य से जानकारी मांगी। स्कूल के प्राचार्य ने हमको फिलहाल ये अवगत कराया है कि सीमांकन किया गया है। अब इसके बाद की जो कार्रवाई है उस पर बाउंड्री वॉल बनना, बाउंड्री वॉल के साथ साथ समुचित सुरक्षित इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होना, हमने इसके लिए नगरपालिका सीएमओ को मौखिक निर्देश दिए हैं। हम रिटर्न डायरेक्शंस दिल्ली पहुंचकर देंगे। सर, आपने अभी बोला शुक्रवार के दिन हाफ डे की छुट्टी दे दी जाती थी मैडम की ओर से,
तो क्या आपको कोई एविडेंस है? हमको बच्चों ने बताया, टीचर्स ने बताया है, हमको बच्चों ने ये बताया कि पहले यहाँ जो प्रिंसिपल थी जिसको 15 अगस्त की इस जांच के आसपास हटाया गया, उस प्रिंसिपल के रहते यहाँ कभी वंदे मातरम गान नहीं हुआ, राष्ट्रगान केवल स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पे किया जाता था। उस प्रिंसिपल ने खुद ने एक कमरा यहाँ पे आरक्षित किया हुआ था नमाज पढ़ने के लिए, जहाँ वो मुस्लिम टीचर्स जो यहाँ पे थीं उनके साथ नमाज पढ़ा करती थीं। एक अलग तरीके का माहौल इस विद्यालय में क्रिएट किया जा रहा था। हमको यहाँ पे ये भी पता चला कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को जुम्मे के दिन नमाज पढ़ने के लिए स्कूल से भेज दिया जाता है, इसमें टीचर्स भी शामिल हैं। सरकार का एक कैलेंडर है, कैलेंडर के अनुसार पढ़ाई होनी चाहिए, कैलेंडर के अनुसार कालांश होते हैं, लेकिन यहाँ पे उसका खुल्लम खुल्ला उल्लंघन किया जा रहा है। शुक्रवार को आधी छुट्टी में बच्चों को नमाज पढ़ने के लिए भेजना ये अपने आप में अलग तरीके का मामला है, जिस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। यहाँ हमने पता किया, जिला शिक्षा अधिकारी ने अपने दौरों में कभी भी टीचर्स से बात ही नहीं की, बच्चों से कभी संवाद स्थापित नहीं किया। कुल मिला के भारी उदासीनता है, और इस उदासीनता का परिणाम ये है कि ऊपर की क्लासों में मुस्लिम बच्चों का प्रतिशत लगातार कम हो रहा है, वो डिप्राइव हो रहे हैं अपनी एजुकेशन से। हमने 12th, 11th, 10th, 9th, 8th, 7th सभी क्लासों के जब बच्चों के डेटा को एनालाइज किया, अल्प समय में जितनी जानकारी मिल पाई, हमको ये पता चला कि जहां मुस्लिम बच्चे छोटी क्लासेस में 25% तक हैं, वो बड़े। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।